आर्थिक तंगी और महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कंपनी का नाम नहीं ले रही हैं। अब देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार के बीच हुई सीक्रेट बातचीत के दस्तावेज लीक हो गए हैं। दोनों नेता एक सहायक के साथ अमेरिका चीन के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। इन दस्तावेजों के मुताबिक हिना रब्बानी खार ने कहा था कि उनका देश पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच बिचौलिया नहीं रह सकता। अगर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुकता है तो उसे चीन से मिलने वाले बड़े फायदे बंद हो जाएंगे। इस बात के लीक होने की वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर से दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हिना रब्बानी खार का जो सीक्रेट मेमो लीक हुआ है उसका टाइटल पाकिस्तान के मुश्किल विकल्प हैं। ये सीक्रेट मेमो के महत्वपूर्ण अंश अमेरिकी खुफिया दस्तावेज डिस्कॉर्ड मैनेजिंग प्लेटफॉर्म पर लीक हुए हैं। इस मेमो में चीन से लेकर अमेरिका तक का जिक्र है। सीक्रेट मेमो में हिना रब्बानी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अमेरिका को लेकर चेतावनी दी है। रब्बानी ने कहा, पाकिस्तान अब पड़ोसी चीन और अमेरिका को लेकर बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करता है तो उसे चीन के साथ संबंधों का त्याग करना पड़ेगा, जिसके साथ उसकी वास्तविक रणनीतिक भागीदारी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस खुफिया दस्तावेज के कुछ अंश को वॉशिंगटन पोस्ट ने रविवार को प्रकाशित किया। लीक मेमो के मुताबिक हिना ने शहबाज को कहा कि पाकिस्तान को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लगे कि वह पश्चिम देशों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बातचीत में हिना खान ने तर्क दिया कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की साझेदारी को बनाए रखने से चीन के साथ वास्तविक रणनीतिक साझेदारी का लाभ नहीं मिलेगा। हिना रब्बानी खार का ये मेमो अमेरिका के हाथ में कैसे लगा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। अपने मंत्री की बातें लीक होने के बाद खुद पाकिस्तान भी सकते में है। दरअसल 9/11 आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ही वह देश है जिसे अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद मिलती रही है। इस दस्तावेज के लीक होने से ये भी साफ हो गया है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने रिश्ते को किसी भी हालत में ख़राब नहीं करना चाहता है और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं अब ये देखना होगा कि अमेरिका इस बात के लीक होने पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।